अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसा आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। होप सो कि आप सब भी फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की जो वीडियो है ना, ये है जी बच्चों के ड्रेस डिज़ाइनिंग पर। आज मैं आपके साथ कुछ बच्चों के गर्मियों के मतलब कपड़ों के डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। मीन्स है कि मैंने अपनी एक्चुअली भतीजी के लिए जो है ना, वो कुछ कपड़े स्टिच करवा के डिज़ाइन करके खुद से बड़े स्टाइलिश से मैंने उसको गिफ्ट किए, जो कि उसकी मदर को बहुत पसंद है। और माशाल्लाह से उसको पहने हुए भी कुछ उसने पहन लिए थे, बहुत प्यारे लगे। तो ये वीडियो जो है ना, मैंने इसको गिफ्ट कर दिए हुए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, तो कुछ उसने पहन लिए, कुछ अभी नहीं पहने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से स्टिच करवाए हैं, क्या डिज़ाइनिंग की है। तो मे बी आपकी उससे आपको आइडिया मिल रहा है थोड़ा सा, कि अगर आपके बच्चे हैं तो जारी बात है कि बच्चों के गर्मियों में कपड़े जितने भी हों उतने ही कम होते हैं, क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं, गीले कर देते हैं। तो ये कि मुझे बहुत बजट फ्रेंडली भी पड़े और फिर स्टाइलिश भी लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ और आपको भी इससे थोड़ी सी अगर आपको हेल्प में हो जाएगी आपको देख के डिज़ाइंस। और ये कि आपने अगर गिफ्ट करने, अगर आपके अपने बच्चे हैं तब भी, और अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है मेरी तरह अपनी भतीजी या भांजी को, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको वन बाय वन करके, और साथ साथ जो उसने पहननी है मैं उनकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहला ड्रेस जो मैंने बनवाया वो है ये ब्लू कलर का चुनट वाला फ्रॉक। और इस तरह के फ्रॉक बच्चों को बहुत प्यार, बच्चियों को ना बहुत प्यारे लगते हैं चुनट वाले। और यहाँ पर इस पर जो गला और लेस लगी हुई ना, ये मुझे बड़ी रीज़नेबल मिल गई थी। गला साइज़ में थोड़ा बड़ा था, इसको मैंने कटिंग करवा के फिर इस तरह से लगवा दिया था, और बटन्स लगवा दिए, और लेस भी वो लगवाई जो बच्चों को ना चुभती हो। मैं चुभने वाली लेस नहीं लगवाई, तो इस तरह से कुछ लग रहा आप देख लो। और साथ में इसका ट्राउज़र भी मैंने स्टिच करवा लिया था, ये इसका क्लोजअप है। चले जी, अब बढ़ते हैं ड्रेस नंबर टू की तरफ। और ये जी यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, इसका जो गला है वो मैंने, और बाजू आप देख लें, चुनट वाले बारीक वाला इलास्टिक डलवाया था। और यहाँ पर गला जो है वो मैंने कॉलर वाला और लेस लगवा दी थी इसके ऊपर ऑरेंज कलर की, और क्योंकि प्रिंट से मैच करती हुई, और उसके ऊपर ना मैंने बटन्स लगवाई हैं। मैंने टॉप बनवाया ठीक है, और ये ओपन है मतलब आगे फ्रंट से, और उस पर बटन लगवा दिए आगे मैंने, जो शर्ट्स पे लगाते हैं ना बटन्स वो वाले। और ये मुझे कंट्रास्ट और डिज़ाइन मुझे इतना पसंद आया था ना। अच्छा, इसकी लॉन भी बड़ी मज़े की सॉफ्ट सी लॉन है। मैंने तमाम वो फैब्रिक्स लिए थे जो कि बच्चों को चुभे नहीं, मतलब उनको, मतलब वो बहुत कंफर्टेबल रहे, इस तरह का मैंने फैब्रिक लिया। तो ये लॉन भी बड़ी ही सॉफ्ट थी, और ये कुछ स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह का लग रहा है। इसके साथ सिंपल मैंने अपने जो है वो, मतलब आप कह लें कि जो ट्राउज़र होता है वो बनवा दिया। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ लग रहा है, ये इसका क्लोजअप है। तो ये है जी ड्रेस नंबर थ्री, और जो कि माशाल्लाह से इसको पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी जब आप देखेंगे, तो प्लीज़ आप भी एक दफ़ा माशाल्लाह कह दीजिएगा। और यहाँ पर ये फ्रॉक देख लें कि जी ऑरेंज कलर का, ये ब्राइट ऑरेंज कलर का मैंने लॉन का लिया था, फैब्रिक लिया था, और उसके ऊपर मैंने जिगजैग लेस लगवाई और अनरखा फ्रॉक बनवाया मैंने। और यहाँ पर ये इसके ट्राउज़र पे भी मैंने फ्रिल वाला डिज़ाइन बनवाया है, क्योंकि जी मैंने कहा थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, सेम डिज़ाइन ट्राउज़र के मैंने कहा प्लेन नहीं रखवाते, इसको थोड़ा सा चेंज रखते हैं। और यहाँ पर जो फ्रॉक है ना, वो मैंने ढेर सारी चुनटें डलवा के बहुत ज़्यादा फॉल वाला बनवाया, क्योंकि बच्चियों के ना इस तरह से घेर वाले फॉल वाले फ्रॉक बड़े अच्छे लगते हैं। नीचे जिगजैग लगा दी, ऊपर पट्टी वाली लेस जो होती है गोल्डन वो लगा दी, और ये बाजुओं पर बारीक सी मैंने इलास्टिक डलवा के जो बच्चों को चुभे ना, इस तरह से चुनट वाले इसके बाजू बनवा दिए। तो ये देख सकते हैं आप हैं जी, ये ड्रेस पहना हुआ कुछ इस तरह का लग रहा है। ये हैं जी मेरी भतीजी, मेरे भाई की बेटी मिराज, जो कि आप मुख्तलिफ मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं इसको व्लॉग्स में। और ये इसको पहना हुआ इतना प्यारा लगा है ना, एक दफ़ा प्लीज़ आप सब भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। जो है वो मैंने ये फ्रॉक बनवाया था बेल्ट वाला, इसकी मैंने बेल्ट लगवाई थी, और साथ में ये नीचे इसकी ना पैरेट बेस थी, तो मैंने ब्लू कलर की ना लेस लगवा दी थी थोड़ी सी चौड़ी की। तो ये कि बहुत ही प्यारा लग रहा था ये भी, और छोटे छोटे से गले पे मैंने नीचे यहाँ पे बटन्स लगवा दिए। अच्छा, मैंने तमाम वो लेसें लगाई हैं जो बच्चों को चुभे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्रॉक जो है वो कुछ स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा था। ये भी बहुत ही प्यारा स्टिच होने के बाद लग रहा था, कलर कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा इसका मुझे लग रहा था।
आ जाते हैं हम इस ड्रेस की तरफ। ये है जी, आप कह लें कि गोल मैंने कमीज सिलवाई है टॉप टाइप, और इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनवाया, और ये मैंने इसके ऊपर जो है ना बारीक सी एक कलरफुल सी जो है वो लेस लगवाई है। बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे प्रिंट्स पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं और कलरफुल से। तो यहाँ पे मैंने जो गोल आप कह लें कि टॉप टाइप शर्ट शर्ट बनी हुई है, और इसके बाजू जो है वो हाफ़ है सबके, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है तो फिर फुल बाजू बच्चों से नहीं पहने जाते। और यहाँ पे मैंने इसके साथ ये इसका ट्राउज़र बनवाया, और ये भी माशाल्लाह से उसने पहन लिया था, उसको बहुत प्यारा लगा था। और एक मैंने क्यूट सा यहाँ पे बटन लगवा दिया था हैंगिंग वाला ना, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये आप देख सकते हैं इसका क्लोजअप। अच्छा, इन सब ड्रेसेस के साथ मैच करते हुए ना मैंने ये कलरफुल सी बेंगल्स भी ले ली थी उसके लिए। मैंने कहा चलो गिफ्ट कर रही हूँ तो आगे मतलब ये कि वो पहन लेगी और प्यारी भी लगेंगी। और ये देखें जी, ये भी बड़ी प्यारी सी थी, और सब इसमें तमाम के तमाम कलर्स हैं जो कि वो पहनेगी तो उसको मतलब उसके सब ड्रेसेस के साथ चल जाएंगी। तो ये भी मैंने उसके लिए ली थी कि मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, सब ड्रेसेस के साथ इसके मैच कर रही हैं। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं ब्लू के साथ, ऑरेंज के साथ, पैरेट के साथ एंड ब्लू के साथ, सबके साथ बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये थे जी कुछ ड्रेसेस जो मैंने अपनी भतीजी के लिए बनवाए थे और उसको मैंने गिफ्ट कर दिए हैं, और माशाल्लाह से उसको एक दफ़ा भी माशाल्लाह की जगह पहने भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो होप सो कि आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के नाम मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।